How much steel was actually used if 1 by 12th of the steel actually used was wasted in making the tank? अब सबसे पहले हम एक चीज को जरा ध्यान दें कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, he said find the curved surface area, we have accordingly find, right? But as the tank is a closed cylindrical tank, तो इसका मतलब उसको बनाने में जितना भी मटेरियल लगा होगा that will be equal to total surface area. सबसे पहले तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, राइट डाउन. स्टील यूज्ड टू मेक द टैंक इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया 2πr एक्स प्लस आर. यही होता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का. हाँ, एल कहाँ से, एल और एच एक ही होता है, एक लेंथ बोल दो चाहे हाइट बोल दो. बच्चे हाइट एक ही है, वो स्लांट हाइट कौन में होती है सिलेंडर की. अगर स्लांट हाइट हम लेने लग पड़े फिर तो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट कर दें. तो 22/7 रेडियस इज 2.1, हाइट इज 4.5, 44 × 0.3, 6.6. सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है. कितना आया सॉल्व करके, 1.2 भी है. सो इफ वी डू इट बाय कैलकुलेशन यूजिंग द टोटल, हाँ सॉरी स्क्वायर है, यूजिंग द टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला वी आर गेटिंग इट टू बी 87.12 सेंटीमीटर स्क्वायर. आओ जरा सेकेंड पार्ट. हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. अब हमने तो ये निकाल लिया कि इतना स्टील यूज हुआ, इतना स्टील लेना पड़ेगा क्लोज टैंक को बनाने में, पर वो कहता इस टैंक को बनाने में कुछ स्टील जो है वो वेस्ट भी हुआ. वेस्ट कैसे, जैसे मान लो एक उसने कर्व बनाया उसके ऊपर सर्कल लगाना है तो उसको काटने में थोड़ी सी पत्तियां स्टील की गिर गई, ऐसे कुछ एक वेस्टेज उसकी जो है वो होगी. आपको पता है ऐसा माना जाता है कि जब ये ज्वेलर्स होते हैं, जब ये गोल्ड का काम करते हैं तो थोड़ा बहुत सोना जो है वो छूट जाता है बीच में, वैसे ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टील जो है वो वेस्ट हो जाएगा. तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं कि एक्स मीटर स्क्वायर स्टील बी एक्चुअल यूज, लेट एक्स मीटर स्क्वायर स्टील बी एक्चुअल यूज. फिर वो क्या कहता है कि इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड, वेस्टेड इज इक्वल टू टोटल स्टील वॉज वेस्टेड, देयरफॉर यूज्ड स्टील इज इक्वल टू इतना लिया मार्केट से कि इसका हम टैंक बनाएंगे, इतना वेस्ट हो गया तो एक्चुअल में यूज कितना हुआ,
11 x y 12, ये ध्यान से देख लो, x मीटर स्क्वायर y किया, उसका 12th यानी कि x by 12th वेस्ट हो गया, तो बचा कितना x minus x by 12, that means 11 x by 12. एक्चुअल में अगर आप उस स्टील के टैंक को देखो तो इतना जो है स्टील आपको यूज हुआ नजर आए. एक साइड पे हम अपनी अजम्पशन से कह रहे हैं कि इतना स्टील यूज है, दूसरी साइड पे जब हमने कैलकुलेशन से किया तो कितना यूज था, 87. यहाँ पे यूज्ड स्टील, ये हमने किया अपनी कैलकुलेशन से कि इतना स्टील यूज होगा, ये हमने अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन इतना स्टील यूज होगा. अब चाहे आप अपनी कैलकुलेशन से करो चाहे अजम्पशन से करो, एक बार जो चीज यूज हो गई उतनी यूज रहेगी. इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल. 11x/12 शुड बी इक्वल टू 87.12. सॉल्व इट, गेट एक्स, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो. नहीं कट रहा, 11 से 11 के टेबल पे सीधा कट रहा है, 12 पे तो काटना ही नहीं है, क्यों कटेंगे 12 पे, 12 तो ऊपर चला गया. हाँ एक मिनट, हमने किया कि x, let x meter steel be actually used. ये तो wasted निकाल के इतना आया, तो हम x ही निकालेंगे, answer x का ही निकालेंगे जो हमने let किया. कितना आ रहा है answer, पहले calculate करो, first of all calculate it. सॉल्व करो कि कटेगा, मुझे भी लगता है 11 से. हाँ 7.92 मल्टीप्लाई करके 95. तो यार ज्यादा ही आना था ये, एक्चुअली हमने ये लिया है मार्केट से, मैंने पहले बताया कि ये तो मैंने बाय किया था, ये वेस्ट हुआ, जो बचा वो यूज्ड हुआ, जो निकाला है वो भी यूज्ड हुआ, दोनों इक्वेट हुए, एक्स वाइड था. आइए, एक्स मीटर स्क्वायर जो स्टील है, देखो दोबारा पढ़ो, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक. मान लो x मीटर स्क्वायर हमने एक्चुअल में हम लेके आए मार्केट से, ठीक है, उसमें से ये वेस्ट हो गया तो इतना बचा, इसका मतलब इतना हमने यूज किया वो हमारे उसके इक्वल है, वहां से जो x की वैल्यू आई दैट मींस इतना स्टील एक्चुअली जो है वो यूज करने के लिए लाया गया. चलिए बच्चे, डोंट रिमेन आउटसाइड द क्लास फॉर 10 to 15 मिनट्स, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस बैड हैबिट. हु हैव कॉल्ड यू, इधर से रब कर दूं ये वाला. दिस इज ऑल अबाउट सिलेंडर एंड इट्स एप्लीकेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड थ्री डिमेंशनल फिगर, दैट इज कोन. सो यू कैन सी conical object I have made on the board. It is having two faces.
One is the curved around, another is the circle at the bottom. Radius of the circle, I am taking it to be R. Base radius is R. अगर सर्कल की रेडियस आर है, इसका मतलब कोन की रेडियस भी आर ही है. हाइट ऑफ दिस कोन इज वर्टेक्स से लेके नीचे वाले सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट इज द हाइट ऑफ द कोन. स्लैंट हाइट की बात करें तो तिरछी जिसको हम बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट. डिस्क्रिप्शन करवा रही हूं कोन की, फॉर्मूले. स्लैंट हाइट इज एल. अब इसके फॉर्मूलाज हम डिस्कस करने लगे हैं. फर्स्ट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. सेकंड इज द टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इनटू एल प्लस आर. कैसे आया? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस दोनों क्या हुए? ऐड हुए. कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर, बोथ आर एडेड अप, पाई आर कॉमन हो गया, पाई एंड आर दोनों कॉमन निकले, अंदर बचा एल प्लस आर. लास्ट एक्सरसाइज में हमने सिलेंडर का वॉल्यूम किया था पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि एक सेम रेडियस एंड सेम हाइट वाले सिलेंडर में, मान लो हमारे पास एक कोन है और एंड एक सिलेंडर है जिसका रेडियस एंड हाइट सेम है, हमारे पास एक कोन है एक सिलेंडर है जिनका रेडियस एंड हाइट क्या है? सेम है. तो जितना मटेरियल सिलेंडर में आएगा उसका 1/3 कोन में आएगा. ये था हमारा कोन का, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम. हाँ, जितना मटेरियल सिलेंडर में, जितनी सैंड हम सिलेंडर में फिल कर सकते हैं उसका 1/3 कोन में होगा. और यू कैन से कि जो अगर मैं इसको 3 को उधर ले जाऊं, 3 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसका मतलब जितना कोई मटेरियल किसी कोन में आता है उसका 3 टाइम्स सिलेंडर में आएगा. यानी कि सेम रेडियस और सेम हाइट वाले कोन की बजाय सिलेंडर की कैपेसिटी ज्यादा होती है. मान लो आपने इस सिलेंडर में सपोज 27 लीटर वाटर आपने फिल किया, तो इसी रेडियस और इसी हाइट वाले कोन में कितना लीटर आएगा? 9 लीटर. इसका 1/3. मान लो आपने एक कोन रेडियस आर और हाइट एच वाले में आपने सपोज 8 लीटर वाटर फिल किया, तो सिलेंडर में कितना आएगा? 24. ये दोनों का रिलेशन होता है कि कोन्स वॉल्यूम is 1/3 of the volume of the cylinder if we keep the radius and height to be the same. अगर हम radius and height same रखे तो cone का volume cylinder के volume का 1/3 होता है, और you can say cylinder का volume cone के volume का तिगुना होता है, 3 times होता है. Is it okay? कई बार question आ जाता है इस पे based. चलो अच्छा एक चीज और, हाँ जी, अब बात आती है कि हमारे पास ये h है हाइट, दिस इज r विच इज रेडियस परपेंडिकुलर, एंड द स्लैंट इज द स्लैंट हाइट, ठीक है, जिसको कि हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं. जैसे कि जब हम कभी किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, कभी पहाड़ पे बंदा ऐसे सीधा नहीं चढ़ता, चढ़ा देखा किसी को सीधा? हमेशा हम पहाड़ पे ऐसे स्लैंट हाइट में चढ़ते, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास कोन में स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, बताती हूँ कैसे. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे हम सिलेंडर को डिस्कस करेंगे चाहे कोन को, जो उसकी हाइट होगी वो रेडियस ऑफ द बेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी। राइट सर्कुलर कोन, दिस इज राइट सर्कुलर कोन। आगे हमने क्या किया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और वैसे भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो हमारे पास एक ट्राइंगल ही होता है एक्चुअल में, राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। इसको थोड़ा 3D में इमेजिन करना। मान लो इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने यहां से पकड़ा, ऐसे किया, घुमा दिया, पीछे गया बोर्ड के, इमेजिन करो घुमा, जाते गया, घूम ही गया। जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहां से पकड़ा और सारी तरफ घुमा दिया तो जो बनता है वो क्या बनता है, कोन। ठीक है, जैसे हम बचपन से जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक भगवान जो है हमें घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, और एंड में जो बंदा बन जाता है हम कहते हैं इनको बहुत एक्सपीरियंस है, इनकी बात सुन लो हमारे बुजुर्गों की। वैसे ये बेचारा घूम घूम के इसकी अंतिम दशा क्या होगी, ये एक कोन बन जाएगा। जब राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्राइंगल को उसकी एक वर्टेक्स से पकड़ के और एक साइड को फिक्स करके, इसको नहीं हिलने देना, साइड को फिक्स रखा और इसको ऐसे ऐसे घुमाते गए तो हमारे पास क्या बन के आता है, कोन। ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट, ये हो गया स्लांट हाइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है जहां जहां गुड़ चीनी वहां वहां चिड़िया, और जहां जहां 90 डिग्री वहां वहां पाइथागोरस, पाइथागोरस थोड़ा प्यार था गुड़ और चीनी के साथ, इसलिए उनको ये एग्जाम्पल याद आया, तो साथ ही कहते फिर मैं भी कुछ अपने आप को जोड़ दूं। 90 डिग्री के जहां जहां होगा वहां वहां पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाते हैं हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज एल हेयर, एल स्क्वायर परपेंडिकुलर इज एच एल स्क्वायर, पहले 2 मिनट, L, H and R में आपका रिलेशन होगा L square is equal to H square plus R square. और you can say square shift on another side, 8 में आपने सीखा था square root. L is equal to square root of H square plus R square. वैसे मेरी ये आपको सजेशन है कि आप इस फॉर्मेट में याद कर लो, कभी कभी L दिया होता है, H दिया होता है, R निकालना होता है, वैल्यूज पुट करके उधर ले जाओ, कभी कभी H दिया होता है, 2 उधर गया, स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट बन गया। लिसन, व्हाट आई मीन टू से कि सम टाइम्स आपको, आप ये मत सोचो कि ये फॉर्मूला हमेशा एल निकालने के लिए यूज होगा। मान लो आपको एल की वैल्यू दे दी है किसी ने 3, तो एल का स्क्वायर 9, एच की वैल्यू दे रही है आपको 2, ये बना 4, 4 उधर गया -4, 5 इज आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई, √5। मतलब कि आई मीन टू से कि इस एक्सप्रेशन में आपके पास 3 अननोन है, एक तो स्लांट हाइट एल, दूसरी हाइट एच, तीसरी रेडियस आर। तीनों में से किसी भी 2 की वैल्यू आपको देके तीसरी की वैल्यू पूछ सकता है, हो सकता है वो एच एंड आर की दे दे, एल की निकालो, एल एंड एच की दे दे, आर की निकालो, एल एंड आर की दे दे और एच की निकालो। तो बच्चों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होती है दैट दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला to find out the slant height. No, this is not specific slant. To find slant height. We can find height also, radius also, provided the other 2 should be given. Relation between L, H and R. This is the relation between slant height, height and radius of the cone. Chalo. This is all about the formulas. Let us start with the exercise. Exercise 13.3. First question. Diameter of the base of the cone is 10.5. So the radius is 5.25. Slant height ko L se denote karte hain 10. Slant height is 10. Radius hai, slant height hai. तो क्या हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल, कर्व्ड सरफेस एरिया में एच का कोई रोल नहीं है। डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट दैट। पाई
और एल। बेटे मैम नहीं अलाउ करते, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। वन Doing the same thing, देखो recording भी progress में फटाफट आ गई उसी time पे। चलिए second question देखो, find the total surface area of the cone, इतना slant height है ही नहीं कि हम साथ साथ करें कुछ लिखे ना। slant height of the cone is 21, diameter of the base 24, तो radius हो गई 12। Slant height and radius are given to us. We want to find total surface area. एक बात याद रखना, curved surface area में h का role नहीं है, पर total surface area में हमारे h का role है। तो हमें relation use करते हुए पहले h find करना है। L square is equal to x square plus r square. आ गया आपका question। मैं कहती तुषार भी है, मतलब पूरा उन्हें अपना जोर लगाया कि मैं पढ़ना ही पढ़ना जो मैम पढ़ा रही। h total surface area में h चाहिए होता है, और सॉरी एच सिर्फ वॉल्यूम में चाहिए। सॉरी सर, हाँ चलिए हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लें इसका। और ये मैंने देख लिया, किसी को सुधारो कोई नहीं सुधरता जब तक उसके मन से नहीं आता। जैसे इस करण के मन में अब आ गया मैंने सुधरना है, अब भी सुधरेगा आप देखना जरूर, क्योंकि आप खुद सोच लिया कि मैंने ठीक से डील करना है चीजों के साथ। पाई आर इंटू एल प्लस आर, एट सेवन वन टू डबल फोर पॉइंट फाइव सेवन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केशव बेटे कुछ लिख लो, पेन कितने थोड़ा क्वेश्चन नंबर थर्ड, curved surface area of cone is 308 centimeter square. This time we are given the curved surface area and the slant height is 14. First step is find radius. Curved surface area ke niche curved surface area ka formula. एल की वैल्यू रिप्लेस कर दो, रेडियस कम्स आउट टू बी सेवन सेंटीमीटर। We want to find the total surface area of the cone. Pi r into L plus r. Pi r L plus r. फोर सिक्सटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर।
फॉर्मूला लगाया पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल की वैल्यू ऐड हुई, मल्टीप्लाई हुई, फिर कटी टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देयर इज ए कॉनिकल टेंट हूज हाइट इज 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24। एल निकालना है, रिलेशन लगाओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, जो जो दिया 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 हुआ है उसकी वैल्यूज पुट कर लो। प्लस 100, 676। यस जानवी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क मैम? इन द थर्ड क्वेश्चन रेडियस इज 76। 26 आएगा बेटे, 676 का स्क्वायर रूट 26 है। मैम इन क्वेश्चन 3। यस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा रेडियस कितना आया देखना, 7 आया, 7 ही आ रहा है, चेक करो कैलकुलेशन। चलिए सेकंड पार्ट, सी फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ईशान राघव ने तो अपने आप को चेंज कर लिया, आप मत करो उसके पीछे लगते। यस सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ द कैनवेस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। अब देखो जब कॉनिकल टेंट बन रहा है तो उसके नीचे नहीं हम कपड़ा बिछाएंगे। आपने देखा होगा आर्मी पीपल दे यूज टू मेक द कॉनिकल टेंट, नीचे ग्रास होता है उसके ऊपर बस ऐसे कौन सा खड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉनिकल टेंट और उसको बनाने के लिए कितना कैनवेस, सो दैट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। कैनवेस नीडेड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 22/7। अच्छा वाई इज टू बी टेकन एज 3.14। रेडियस इज 22 नहीं दिया, इसको ना मत सॉल्व करो क्योंकि हम जब रेट निकालेंगे वहां पे 70 है, कैंसिल हो जाएगा। इतना कैनवेस है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 70, therefore cost of this meter square 70 multiply this 137। oh my god इतनी मनी, इससे अच्छा तो बंदा ईटों का कमरा बना ले, कॉनिकल टेंट है। यस मेरे को नहीं लगता कि जो आर्मी पीपल इतने कॉनिकल टेंट बनाते होंगे इतना खर्चा आता होगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप में से अगर कोई आर्मी में जाएगा ना फिर मुझे बताना कि मैम कितना खर्चा आता था टेंट बनाने में। किसने जाना है आर्मी में तो इसमें क्या है, कोई आर्मी में जाना कोई शर्म की बात है? हाँ ये वैसे ही होगा, हाँ दूसरे वाला होगा। यस
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले सिक्स देखो, फिफ्थ बाद में करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स, slant height and the base diameter of a conical tomb are given to us. slant height, हाँ fifth बाद में कराएं, fifth बाद में करें, sixth. slant height and the base diameter are given to us. Slant height is 25, diameter is 14, radius is 7. Slant height 25, diameter 14, radius 7. Find the cost of whitewashing the curved surface area. जिसको whitewash करना है उसी का area निकाल, वही area निकालना होता है. अगर आप कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना चाहते हैं तो पहले आपको निकालना पड़ेगा. सो कर्व सरफेस एरिया दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. Cost of whitewashing curved surface area at the rate of 1 minute. Cost of whitewashing curved whitewashing. आप ऐसे लिखो. 100 meter square is equal to 210. पहले 1 meter square का निकालो. 210 over 100. और हमारा कितना आंसर आया था कर्व्ड सरफेस एरिया का? 550 meter square. ₹1155. हाँ जब बैल होगी ना बेटे, मैंने खुद ही चुप कर जाना, टाइम देखने की जरूरत ही नहीं है. सबसे ज्यादा जो मतलब एक्यूरेट घड़ी तो टीचर की मतलब स्पीकिंग होती है, जैसे ही बेल होती है बोलना बंद कर देती है, इसलिए घड़ियां मत देखा करो. क्लास की घड़ियां खत्म हो गई है, बाहर ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ स्क्रीन पे. The periods get finished.